गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेट एडल्टहुड एंड एंड ऑफ लाइफ। ये चैप्टर एडल्टहुड और एजिंग का भाग है। इसमें हम देखेंगे कि एडल्टहुड की जो लास्ट स्टेज होती है, वहाँ से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से उतार चढ़ाव आते हैं। एजिंग की प्रोसेस मानी जाती है 60+, 60 से 65 साल के आयु वर्ग के बाद की जितनी जो डेवलपमेंट है वो एजिंग के अंतर्गत आ जाता है। वैसे तो एक ह्यूमन बॉडी की इतनी क्षमता होती है कि यदि ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर रहे तो शरीर के सारे अंग जो है वो 115 से 120 साल तक कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम ऑप्टिमम कंडीशंस में नहीं रहते। हमारे लाइफस्टाइल इस प्रकार का है या अब उस तरीके की हमारी एनवायरनमेंट नहीं है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है घटती जा रही है। आप पाएंगे कि जो पहले के लोग थे वो बहुत बुजुर्ग होने के बाद उनकी मृत्यु होती थी, लेकिन आज युवावस्था में ही बहुत सारे रोग हमें घेर लेते हैं। तो हम यहाँ पर यदि आगे कंटिन्यू करें तो हम ये पाएंगे कि आजकल जो एजिंग है वो बहुत तीव्रता से होती है, बहुत जल्दी होने लग जाती है और जिससे टिश्यू फेलियर और डिसफंक्शन बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी के सेल्स का एक मैकेनिज्म होता है कि जो सेल्स डैमेज होते जाते हैं उसकी जगह सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं और ये सेल्स एज के साथ साथ उनकी जो क्षमता है वो कम होती जाती है और इस तरीके से सेलुलर रिप्लेसमेंट नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग को लीड करता है। तो जैसे जैसे नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजिंग होती है, व्यक्तियों के शरीर में परिवर्तन आता है। और एक चीज और है, ये जो रेट ऑफ एजिंग है वो आपके लाइफस्टाइल, आपके वातावरण और जेनेटिक्स जो आपकी जैविकी है, आनुवंशिकी है, उस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। यहाँ पर हमें देखेंगे कि एजिंग के साथ साथ शरीर और मन पे कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो एक चीज जो एकदम विजिबल है वो है कि स्किन और हेयर, बाल और त्वचा लेस वाइब्रेंट हो जाती हैं, उनकी शाइनिंग कम हो जाती है। और जैसे आप देखेंगे कि एज बढ़ने के साथ साथ जो स्किन की जो स्टिफनेस, जो कहना चाहिए जो टाइटनेस है, वो खत्म होती जाती है क्योंकि स्किन के जो निचली लेयर्स की जो फैट है वो मेल्ट होने लग जाती है और साथ ही साथ रीजनरेशन स्किन सेल्स का वो काफी स्लो रेट पे होने लगता है। और इसी प्रकार से बाल सफेद हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे आप बहुत नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि एज बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों में गंजेपन की समस्या आने लग जाती है। तो ये एजिंग का एक परिणाम है। वैसे तो आजकल पॉल्यूशन की वजह से भी और जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो आजकल का वातावरण है, उसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम देखने आती है, लेकिन हम नॉर्मली ये एजिंग की बात कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स और जो आंतरिक अंग जो भी हैं, धीरे धीरे उनकी क्षमता कम होने लगती है, वो डिटीरियोरेट होने लग जाती है उनकी क्षमता। इसी प्रकार से हमारी मांसपेशीय और कंकाल तंत्र भी कमजोर हो जाता है, क्षमता कम हो जाती है। और आप पाएंगे कि वृद्धावस्था में गिरते ही फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो जाती है। जहां तक बात है मानसिक प्रभाव की, तो इस समय मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, व्यक्ति में नई स्मृति धारण करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट आता है सोशियो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजिंग, सामाजिक और सांवेगिक परिणाम एजिंग के। तो इसमें जो पहली चीज है वो है एडजस्टमेंट, समायोजन।
ये वो टाइम है जब जो व्यक्ति जॉब कर रहा है वो रिटायर हो चुका होता है और प्लस उसकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी होती है, और साथ ही साथ इस समय तक फैमिली के ज्यादातर लोग परिवार से अलग हो जाते हैं। केवल जो वृद्ध लोग हैं वो एक तरीके से अकेले रह जाते हैं। तो अब जो प्रॉब्लम आती है सोशली एडजस्टमेंट की तो आती ही आती है, साथ ही एक शारीरिक क्षमता में कमी होने की वजह से जो व्यक्ति हैं वो अपनी पहले जैसी गतिविधि में उतना गतिशील नहीं रह पाते और उस तरीके का एक्टिव लाइफस्टाइल कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इस समस्या से समायोजन करने में उन्हें काफी प्रयास करना पड़ता है। पर ये बात है, शारीरिक रूप से चाहे वो कितने ही कमजोर क्यों ना हो गए हो, दशाएं कितनी ही परिवर्तित क्यों ना हो गई हो, लेकिन मेंटली दे आर स्टिल द सेम पर्सन। हम ये सोचें कि बड़े बुजुर्गों में किसी प्रकार के इमोशंस नहीं होते, इच्छाएं नहीं होती, आवश्यकताएं नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। उनमें उसी प्रकार के इमोशंस, आवश्यकताएं और नीड्स होती हैं जिस प्रकार की यंगर एडल्ट्स में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इवॉल्विंग सेल्फ इमेज। इवॉल्विंग सेल्फ इमेज का मतलब है कि इस समय अलग तरीके के एडजस्टमेंट से वो लोग जूझ रहे होते हैं, उन्हें अपनी एक अलग आइडेंटिटी दोबारा से एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि अब उनको न्यू सोशल रोल्स असाइन हो गए हैं। अभी तक जॉब में, फैमिली में उनको अलग तरीके के रोल्स थे, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ कुछ नए रोल्स भी असाइन हो जाते हैं, जैसे दादा दादी बन गए या किसी और जगह पे उनको लायबिलिटी मिल जाती है बुजुर्ग होने की वजह से। तो वो उसमें इन्वॉल्व होने की, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, और यदि इस तरीके की कोई लायबिलिटी उन्हें नहीं मिल रही है, सोशल रोल असाइन नहीं हो रहा, तो वो लोग डिटैच हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, यानी कि समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं और अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं। नेक्स्ट बात है संज्ञानात्मक परिवर्तनों की। तो जहाँ तक हमने देखा है, बायोलॉजिकली तो वो लोग वीक हो जाते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, और जिसकी वजह से सब लोग ये सोचते हैं कि वृद्ध व्यक्ति मूर्ख हैं या बच्चे हैं। तो इसका प्रभाव नेचुरली उनकी संज्ञानात्मक क्षमता पर पड़ता है, उनकी सोच पर पड़ता है। और एक और जो प्रॉब्लम वृद्धावस्था की आती है वो है सेनाइल डिमेंशिया। ये स्मृति संबंधित समस्या है और ज्यादातर वृद्धों को एक एज के बाद इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इस डिमेंशिया में व्यक्ति पुरानी इंफॉर्मेशन को तो याद कर पाता है, लेकिन नई मेमोरीज को धारण करने में उसे कठिनाई होती है। समय के साथ साथ वो पुरानी इंफॉर्मेशन भी भूलने लग जाता है, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि व्यक्ति अकेला रहने में कठिनाई का अनुभव करता है। आप ये पाएंगे अपने आसपास के, यदि आपने बहुत वृद्ध लोगों को देखा हो तो कई बार वो बड़ी बहकी बहकी सी बात करने लगते हैं। अचानक से आप उनसे पूछेंगे तो कई बार वो अपनी से संबंधित जानकारी भी नहीं दे पाते। तो ये सेनाइल डिमेंशिया का प्रभाव होता है। इसमें ब्रेन में मेमोरी से संबंधित जो सेल्स हैं उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति में ये समस्या देखने में आती है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ये इनकंटिन्यूटी है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के, और एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसका ये हिस्सा है। एरिक्सन कहते हैं कि वृद्धावस्था में जो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपेयर टास्क जो इशू है वो वृद्धों के सामने आता है। अब इस समय एक तो उनके सामने ये स्थिति होती है कि जो अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करी है, जो उन्होंने रोल्स प्ले करे हैं, जो सोसाइटी और फैमिली को उन्होंने सहारा दिया है और उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं, उससे वो अपने को खुश महसूस करते हैं या अपनी लाइफ की अकम्प्लिशमेंट मानते हैं, और
जो उन्हें नया रोल मिल रहा है कि वो रिटायर हो गए, दादा दादी बन गए या उनके स्पाउस की डेथ होने के बाद वो अकेले रह गए, उसे एक्सेप्ट करते हैं सहजता से, तो इससे उनमें उनकी लाइफ जो है वो बड़ी स्मूथ चलती रहती है। लेकिन यदि ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, यदि वो अपने बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, तो इस प्रकार से वो निराशा में डूबने लग जाते हैं। और इस प्रकार के जो बुजुर्ग होते हैं वो आमतौर पर एंग्री मैन टाइप के होते हैं, या वो केयरलेस होते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एरिक्सन के अनुसार इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर इशू वृद्धावस्था में देखने में आता है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है सोशल चैलेंजेस फेस्ड इन लेट लाइफ। वृद्धावस्था में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो देर सवेर सभी वृद्धों के सामने आती है। पहली चीज है डेथ ऑफ स्पाउस एंड फ्रेंड्स। स्पाउस मतलब पति या पत्नी, और फ्रेंड्स तो आप जानते ही हैं। तो एज बढ़ने के साथ साथ उनके पति पत्नी या जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है जैसे उनसे पहले, तो उनके लिए इससे कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये व्यक्ति उनके सोशल सपोर्ट सिस्टम रहे होते हैं। उन्हें खोना उनके लिए बहुत दुखदाई होता है। दूसरी चीज रिटायरिंग फेज। 60 साल के बाद ज्यादातर जितनी भी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट सेक्टर्स में भी 60 इयर्स के बाद रिटायरमेंट मैक्सिमम दे दिया जाता है। और जो व्यक्ति शुरू से काम करते आ रहे हैं, जिस पोजीशन पे वो काम करते आ रहे हैं, वो स्टेटस खोना या उस दिनचर्या को छोड़ना कई बार उनके लिए बहुत कष्टकारी होता है, और जिससे वो रिटायरमेंट के बाद बहुत अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, अपने को लॉस्ट फील करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने करना क्या है और गुमसुम से रहने लगते हैं। ये समस्या उनके सामने आती है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है ग्रैंड पेरेंट स्टेटस की। इस समय तक उनके बच्चों का विवाह हो चुका होता है, वो दादा दादी या नाना नानी बन चुके होते हैं, और उनके जो पेरे जो बच्चे हैं अब वो पेरेंट्स बन चुके होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स है उसमें काफी हद तक चेंज आ जाता है। और अब उनको यदि उनके साथ एडजस्ट करना है, कोप अप करना है, तो उन्हें ग्रैंड पेरेंटिंग का सही मेथड अडॉप्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये उससे अलग हो सकता है जिस प्रकार का जीवन वो व्यतीत करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी उन्हें ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट बहुत बड़ा फैक्टर है कि एजिंग के साथ साथ जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो है डेथ। प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, ये अंतिम सत्य है। तो एजिंग के साथ साथ मृत्यु का डर जो है वो व्यक्ति को सताने लग जाता है, और ये एक सांवेगिक प्रक्रिया होती है, यानी असली मौत आने से पहले व्यक्ति सांवेगिक रूप से मरना शुरू कर देता है। यदि हम ऐसा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। और व्यक्ति जितना ज्यादा मृत्यु के बारे में सोचता है, मृत्यु उतना ही जल्दी उसको आती है या उसको तंग करती है। और जैसे 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 एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी शारीरिक क्षमताओं में कमी होती जाती है, और जो कि एक तरीके से मृत्यु का एक पूर्वानुमान होती है, एक उसके आने की निशानी होती है। एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने कैंसर पेशेंट्स पर एक स्टडी करी और उन्होंने पाया कि मृत्यु से पहले व्यक्ति 5 अवस्थाओं से गुजरता है। हाँ, सभी व्यक्ति सभी स्टेजेस शो करेंगे या एक स्पेसिफिक रेट पर शुरू करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये 5 अवस्थाएं
देखने में आती हैं, तो इसमें सबसे पहली अवस्था है डिनायल। डिनायल का मतलब है नकारना। जब व्यक्तियों को पता चलता है कि मृत्यु देर सवेर आने वाली है, तो व्यक्ति पहले तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो मानना ही नहीं चाहता कि मुझे भी मृत्यु आएगी, और वो चाहता है कि ये जो जिस तरीके से रेगुलर एक्टिविटी चल रही है उसी तरीके से चलती रहनी चाहिए। हो सकता है वो सामाजिक रूप से विड्रॉ भी कर जाए, सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होना बंद कर दे, या ऐसा भी होता है कि वो दूसरे व्यक्तियों से अपनी बीमारी के बारे में बातचीत करने से मना कर दे। एक तरीके से वो नकार रहा है, वो इस परिस्थिति को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है कि मुझे इलनेस है या मैं मरने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेज आती है एंगर, क्रोध। क्रोध किस चीज का? अपनी इनेबिलिटी पर, कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जब व्यक्ति पहले तो वो नकारता है, लेकिन फिर वो नाराज हो जाता है, वो अपनी बीमारी या इसका जो जिस स्टेज में वो है उसका दोष अपने प्रिय व्यक्तियों पर या डॉक्टर्स पर या हायर पावर्स जो हैं उन पे करता है, और वो ये पूछता है मैं ही क्यों, और वो अपने जो हम उम्र लोग हैं या जो उसके प्रिय लोग हैं उनके हेल्प से ईर्ष्या करता है कि वो तो अच्छे खासे हैं, मैं इस स्थिति में क्यों आ गया। फिर जो नेक्स्ट स्टेज देखने में आती है वो होती है बार्गेनिंग की। अब वो गुस्से को एक्साइट करके व्यक्ति एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे एक व्यक्ति को पता लग गया कि वो, यहाँ पर तो जो हम बात कर रहे हैं वो कैंसर पेशेंट्स की स्टडी है, लेकिन इन जनरल भी सामान्य रूप में भी हम देखें, हम अभी उस एज ग्रुप में नहीं है, लेकिन हमें भी जब पता चलता है कि हमें कोई बीमारी है और हमें लगता है कि डॉक्टर पता नहीं ठीक बता रहा है नहीं बता रहा, हम वो रिपोर्ट्स लेके कई डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति को पता है कि वो डेथ बेड पे है, मृत्यु शैया पर है, तो वो अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाने के लिए और डॉक्टर्स के पास जाता है और रिपोर्ट लेता है, और जब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता तो वो गुरुओं की मदद लेता है, स्पिरिचुअल हीलर्स की मदद लेता है, या जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी, सब तरीके के इलाज करने की कोशिश करता है। और उसमें वो वही बात है कि जैसे गुरु से कोई मंत्र लेना या कोई मन शांत रखने की कोई या आयु वृद्धि करने के मंत्र लेना, इस तरीके की वो क्योर करने की कोशिश भी करता है कि किसी तरीके से मैं ठीक हो जाऊं बस। जब ये क्लियर हो जाता है कि बार्गेनिंग वर्क नहीं करेगी तो व्यक्ति एक डीप डिप्रेशन फील करता है, उसे वो एक अवसाद की स्थिति में चला जाता है, और उसे ये डर लगने लगता है कि अब मैं अपनी फैमिली से अलग हो जाऊंगा और अब एक तरीके से मैं चारों तरफ से मौत से घिरा हुआ हूँ। उसे दर्द का डर लगता है, और इस वजह से कई बार वो समाज से अपने को सीमित कर लेते हैं, और ये जो है परिवार के लिए एक बहुत डिफिकल्ट फेज होता है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य भी तो उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, और जब वो व्यक्ति इस तरीके के रिएक्शन दिखाता है, अवसाद की स्थिति में चला जाता है, तो जो फैमिली होती है उसके लिए ये काफी पेनफुल होता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है, जो एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने बताई कि अंत में डिप्रेशन के बाद व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, उसको टाला नहीं जा सकता, तो वो अपने को इमोशनली सांवेगिक रूप से और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से
शांत करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। और ये वो समय होता है जिस समय वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना दोबारा से शुरू करते हैं और फैमिली के साथ दोबारा अटैच होते हैं, ये सोचकर कि जितना समय बचा है उतना समय तो अच्छे से व्यतीत कर लिया जाए। एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी फॉर अ गुड डेथ, इसका मतलब है कि मृत्यु को स्वीकारने से शांतिपूर्ण मृत्यु आती है। यदि आप व्यक्ति डरता रहेगा तो मृत्यु उसके लिए पेनफुल हो जाती है, लेकिन यदि वो स्वीकार लेता है कि मृत्यु तो आनी ही है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एजिंग किस प्रकार से होती है और मृत्यु के चरण कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।